तो वही बजट को लेकर संसद भवन के बाहर से कुछ जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। सरकार का अंतरिम बजट आज, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल इस बजट को पेश करेंगे। 11 बजे लोकसभा में इस बजट दस्तावेज को रखा जाएगा। खास बात ये कि इस बजट से काफी उम्मीदें इस नजरिए से लगाई जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है और कहीं ना कहीं सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि वो आम लोगों के लिए, खासतौर से मध्यम वर्गीय किसानों के लिए उसने जो योजना तैयार की है, क्या वो इस अंतरिम बजट में उसको दिखाने की कोशिश करेगी। और इसको लेकर विवाद भी दिखाई दिया, जब पूर्ण बजट या अंतरिम बजट को लेकर एक नई बहस छिड़की दिखी और इसको लेकर विरोधी ये कहते नजर आए कि अंतरिम बजट है ये, ऐसे में 4 महीने के जरूरी सरकारी खर्च के लिए सरकार को ये पेश करना है और पूर्ण बजट जो है नई सरकार पेश करेगी। इससे पहले सरकार ये मैसेज दे चुकी है कि वो इस बजट के जरिए लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है, चुनावी साल में किसानों को, मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए उसमें कुछ योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। यूनिवर्स बेसिक इनकम स्कीम की भी चर्चाएं हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की और कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ये सबको, यानी गरीबों को रोजगार गारंटी योजना को लेकर आएंगे और ऐसे में किसानों के लिए सीधे उनके फंड को ट्रांसफर किया जाए उनके खाते में, इस तरह की चर्चाएं थी। तो किसानों को राहत देने के लिए सरकार कुछ कर सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इस अंतरिम बजट पर तमाम निगाहें लगी हैं इस नजरिए से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंतरिम बजट चुनावी साल में आ रहा है और मोदी सरकार के लिए ये आखिरी मौका है कि वो यहाँ किसानों, मध्यम वर्ग को लेकर कुछ योजनाएं, बड़ी योजनाओं का ऐलान कर पाए। कैमरामैन विजय ब्रिज के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।